अब हम करेंगे टू का टेबल। तो हमने जो है वो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव जो है ब्लॉक्स बना लेना और यहाँ लिख देना है टू फोर। इवन नंबर आपको पता है ना, टू फोर सिक्स एट होता है, और एंड में हमने ज़ीरो लिख देना है। फिर टू फोर सिक्स और एट, और यहाँ हमने ऊपर वाले में ज़ीरो ज़ीरो लगाना, और यहाँ एंड में वन, और यहाँ वन 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 वन, और यहाँ टू। और ये हमारा टू का टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट ज़ीरो टू, ज़ीरो फोर, ज़ीरो सिक्स, ज़ीरो एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन और ट्वेंटी, और ये हमारा टू का टेबल कंप्लीट हो जाए। अब हम करेंगे थ्री का टेबल। तो इसमें हमने ब्लॉक बनाना है, टू लाइंस बना देनी है ताकि थ्री ब्लॉक्स बन जाए, और यहाँ भी, और यहाँ जो है वो एक और ब्लॉक बना दें। तो हमने लिख देना है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। ऊपर वाली रो में ज़ीरो लिख देना, फिर वन लिख देना, फिर टू लिख देना है थर्ड रो में, एंड फोर्थ रो में थ्री। तो ये हमारा थ्री का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट में ज़ीरो थ्री, ज़ीरो सिक्स, ज़ीरो नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, एटीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन और थर्टी। तो ये हमारा थ्री का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। आज हम फोर का टेबल करेंगे, और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप इजी वे से कैसे फोर का टेबल कर सकते हैं। तो पहले आपने ऐसे करके एक डायग्राम सी बना लेनी है, ठीक है। अब आपको इवन नंबर तो पता होंगे कि टू फोर सिक्स एट होता है, तो आपने लिखना है यहाँ टू फोर सिक्स एट और यहाँ ज़ीरो। अब इसमें भी आपने ऐसे ही लिखना है टू फोर सिक्स एट और ज़ीरो, और यहाँ पहले ज़ीरो लिख देना है, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ वन वन और यहाँ टू, यहाँ भी टू और यहाँ भी टू, और नीचे जो है वो थ्री थ्री और यहाँ फोर, और ये जो है आपका फोर का टेबल कंप्लीट हो गया। तो आपने फर्स्ट यहाँ लिख देना है, तो आपने यहाँ लिख देना है, सेकंड आपने यहाँ लिख देना है, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा फोर का। अब हम करेंगे फाइव का टेबल। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे, तो लिखेंगे फाइव ज़ीरो फाइव, ज़ीरो फाइव ज़ीरो, फाइव ज़ीरो फाइव और ज़ीरो। अब हम लिख देंगे यहाँ ज़ीरो वन वन, टू टू, यहाँ थ्री थ्री, फोर फोर और यहाँ
5। तो अब हम यहाँ से जो है इस टेबल में सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये हमारा 5 का टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे 6 का टेबल। तो इसके लिए हम 2 बॉक्सेस बना लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यहाँ लिखेंगे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 3। यहाँ 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 और 6। अब हमने इस पे क्रॉस लगा देना है। और जो ये क्रॉस वाली वैल्यू है ये नहीं लिखनी, नीचे भी हमने क्रॉस लगा देना है। और जिन वैल्यूज को हमने क्रॉस कर दिया है ये नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट से ये 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। ये हमारा 6 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे 7 का टेबल। तो इसमें भी हमने ब्लॉक बना देना है। 2 लाइंस लगा देंगे ताकि 3 ब्लॉक्स बन जाए। नीचे यहाँ भी जो है वो एक ब्लॉक। यहाँ से हम 1 स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0। तो यहाँ पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 2, फिर 3, 4, अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी स्टार्ट में 4, 5, 6 और यहाँ 7। अब टेबल में जो है हमने इनको पुट कर देना है। तो 0, 7 आ जाएगा फर्स्ट, फिर 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। अब हम करेंगे 8 का टेबल। तो इसके लिए हमने जो है वो 5 ब्लॉक्स बनाने हैं। वन टू थ्री फोर, तो 1, 2, 3, 4, 5 बन जाएंगे। और सेंटर में भी एक लाइन लगा देंगे। तो आपको इवन नंबर पता है कि 2, 4, 6 और 8 होता है।
तो हम फर्स्ट रो में 0, 2, 4, 6 और 8 लिख देंगे और नीचे भी 0, 2, 4, 6 और 8 लिख देंगे और यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 फिर 4, 5, 6, 7 और 8 और आप इसको टेबल में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। तो ये जो है टेबल कंप्लीट हो जाएगा 8 का होगा। आप एक टेबल को 2 times देखेंगे तो आपका जो है वो आपको याद हो जाएगा और आप इजीली जो है टेबल को सॉल्व कर सकेंगे।